अभी जो है मैं रेडमी नोट 7 प्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो है जो सेटिंग बताऊंगा मैं अभी वो रेडमी नोट 7 प्रो के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर जो सेटिंग है वो सारे सेम ही होते हैं, सारे मोबाइल में फीचर भी सारे सेम ही होते हैं। तो सबसे पहली जो हिडन एंड्रॉयड फीचर की बात करूंगा या टिप की बात करूंगा वो है, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सेटिंग के ऑप्शन में, और सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे MIUI वर्जन दिख रहा है, तो MIUI वर्जन पे आपको बहुत बार, मतलब कम से कम 10 बार यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे लिख के आएगा वन स्टेप अवे एंड थ्री स्टेप अवे, तो ऐसे लिख के आने तक आपको रुकना है, और बाद में कहेंगे ये कि आपको यू आर नाउ अ डेवलपर। तो जैसे ही आप यहाँ पे डेवलपर बन जाते हो आपको बैक आना है, और यहाँ के नीचे की ओर जाओगे तो आपको एक नया ऑप्शन अनेबल दिखेगा, डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे देखोगे एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन नया आ चुका है। ये तब तक नहीं आता है जब तक आप वहाँ पे कम से कम 8 बार क्लिक कर लो, तो इसे आप अगर अनेबल कर दो डेवलपर ऑप्शन को, तो अनेबल करने के बाद आपको कुछ ऐसे एक्सेस मिल जाते हैं जो कंपनी चाहती है कि आप ना ट्राई करो, लेकिन अगर आप यूज़र हो और आपको कुछ फीचर्स को अनेबल करना है तो इस डेवलपर ऑप्शन को आप अनेबल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ फीचर्स है जैसे स्टे अवेक, अगर आपका मोबाइल हर वक्त ऑन रखना चाहिए वाइल चार्जिंग के वक्त, तो ऐसे कुछ फीचर्स है। मैं आपको फीचर की ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या क्या काम है उसका। स्किप स्क्रीन लॉक, मतलब जो स्क्रीन लॉक होता है, जो अपन जब काम करते रहते हैं तब स्क्रीन लॉक हो जाता है, तो उसे स्किप करने के लिए बस इसे अनेबल कर दीजिए, मतलब उसे ना होने के लिए बस इसे अनेबल कर दीजिए। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे UPS डिबगिंग, तो ये आपको अगर कोई ऐप है या कोई जो है सॉफ्टवेयर है उसके साथ आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, आपका शेयरिंग डाटा करना है कुछ अलग तरीके से, ये शायद से ऑफ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देता है, तो इसे ऑफ का हमेशा ऑफ ही रखें। अगर आप स्क्रीन मिररिंग कर रहे हो अपने PC के साथ कुछ भी, तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर सकते हो। और फिर से हम नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे और भी कुछ फीचर दिखते हैं जो हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, ज़्यादातर फीचर यहाँ पे बहुत हाई लेवल के होते हैं जो जिसको अपने को अनेबल नहीं करना है। हाँ, तो ये है, और एक जो है एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, और इसके ऊपर के ट्रांजिशन एनिमल इफेक्ट, इसको आप जितना कम कर सकते हो या जितना आप कम कर सकते हो उतना रखें, क्योंकि अगर जितना आप उसे कम रखेंगे उतनी मोबाइल की आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी फास्टली वर्क करेंगी, तो इसे आप हमेशा कम ही रखें। तो अभी मैंने इसे 1x पे रखा है, आप इसे 5x पे भी रख सकते हो, तो आपकी जो जो रिस्पॉन्डिंग स्प्रिंग जो टाइम होता है आपकी स्क्रीन का, सबसे जल्दी ऐप खुला और आपको तुरंत वो दिख जाएगा, तो ऐसे एनिमेशन जो रहती है वो एकदम क्विकली हो जाएंगे आपकी इसमें। तो ये एक फीचर है इसमें, और 4GPU रेंडरिंग, ये फीचर्स आपको ज़रूर अनेबल करना चाहिए अगर आप पबजी प्लेयर हो तो, क्योंकि इस जो फीचर का आपको जो महत्व या कुछ इम्पोर्टेंस बताऊँ तो ये है कि आपकी जो GPU होती है वो काफ़ी कम हो आपके मोबाइल में, तो ये जो अनेबल किया तो आपने जो गेम के लिए जो GPU लगता है उसे वो इतना बेनिफिट देता है गेम के लिए कि आपका जो रेंडरिंग होती है गेम में वो बिल्कुल ना हो नहीं होंगी, तो इसे आप हमेशा अनेबल ही रखें। जो नेक्स्ट हिडन ट्रिक की तरफ या फीचर की तरफ जो है विजिट का फीचर, विजिट का फीचर जो सभी मोबाइल में होता है, आपको सिर्फ स्क्रीन को टैप करके रखना है कुछ 2 सेकंड तक, यहाँ पे विजिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, बस इसे ओपन कर देना है, और यहाँ पे आप दिखोगे कि कुछ जो है विजिट के फीचर्स आएंगे। इसमें क्या एक फीचर है जो है गूगल का साउंड सर्च, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे मेन्यू में ला लेना है ऊपर के मेन्यू में, और बस इसे यहाँ को आपको यहाँ पे बीच में या कहीं पे भी आपको यहाँ पे रख लेना है। और इस जो फीचर का जो मेन काम है वो है, अगर कोई आप अगर टिकटॉक बनाने वाले शौकीन हो
ज़्यादातर हो ही है आजकल, कैरी मिनाडी के बाद पता नहीं क्या हो गया। तो जो भी शौकीन है, अगर आपको कोई भी गाना समझ में नहीं आ रहा वो कौन से पिक्चर का है, कौन से मूवी का है और आपको पसंद आ गया है, तो बस आप इसे इस ऐप को ओपन करिए, और आपको अगर उस ऐप को ओपन करके इस ऐप को जर उस म्यूज़िक को लिसन करवाओगे तो यह बिल्कुल गाना बता देगा कि वो कौन से ऐप का है, बिल्कुल सर्च करके आपको बता देगा और कुछ डाउनलोडिंग लिंक्स भी दे देगा ये। तो ठीक है, ये देखो अभी मैं कुछ गाना नहीं बजाया इसलिए इसने कुछ बताया नहीं। इसे यूज़ करना टिकटॉकर्स के लिए ज़रूरी है, या कोई आपको गाना पसंद आता है, आपको मॉम्स को, आपके फादर्स को बर्थडे के लिए कोई सॉन्ग चाहिए जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एक दिन एक फ्रेंड के पास सुना था, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें छोटू सा ही ऐप है, ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है, और इसे आप रख सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो बढ़ते हमारे अगले फीचर की तरफ, वो है गूगल मैप का फीचर। तो यहाँ पे हम गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल मैप को ओपन करोगे तो गूगल मैप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपने इस पर, और यहाँ पे नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन मैप्स का ऑप्शन मिलेगा। ऑफलाइन मैप्स यानी क्या होता है, अगर आपके पास नेट नहीं है और आपको अपने इलाके या सराउंडिंग, आप जहाँ पे भी रहते हो उसके आजू बाजू का आपको जर अपने को मैप का जो है वो ऑफलाइन ही आपको देखना है, आपको कहीं पर जाना है, तो आप उसे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते रख सकते हो। यहाँ पर बस आपको सिलेक्ट कर देना है आप कहाँ पर रहते हो, जैसे मैं अभी वर्धा में रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अगर जितना आपको लोकेशन चाहिए अपने इसके अंदर, और आपको यहाँ पे कहीं भी पे घूमना है तो बस आपको यहाँ पे ये जो है वो डाउनलोड होके रहेगा आपके इसमें, और आपको कभी भी नेट ना रहे आपके इसमें, रहे ना रहे आपको लोकेशन डाल के आप वहाँ पे जा सकते हो बस फ्री में, मतलब आपको कोई भी जो है नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो पीछे में आप आओगे तो यहाँ पे पीछे की ओर, अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी लोकेशन डालोगे तो आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन मैप्स होते हैं, यहाँ पे आपको बस सिलेक्ट करना है जो जितनी आपको जगह चाहिए उतनी, और बस डाउनलोड पर क्लिक कर देना, और डाउनलोड के साथ वो आपका इतना मैप डाउनलोड हो सकता है उतने सेक्शन का, बहुत बहुत ज़्यादा सेक्शन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसकी फ़ाइल बहुत लॉन्ग बड़ी हो जाती है, तो बस इतना काफ़ी रहता है आपके लिए इसमें। तो बढ़ते हैं हम अपने अगली फीचर की तरफ, जो फीचर है वो सिक्योरिटी का फीचर है। उसके लिए आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दिखेंगी, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन जो सभी मोबाइल में होता है। तो आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक, आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे इमरजेंसी SOS नाम का मिलेगा। तो इसका जो मेन फीचर होता है वो है, अगर आप कोई इमरजेंसी में हो इसे आप अवेलेबल करके रखे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कोई इमरजेंसी में हो या काफ़ी आप फंस गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे, आपके पास बस कुछ समय तक आप ऐसे इलाके में हो जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे। तो इस ऑप्शन को अगर आप अनेबल करके रखते हो तो इसका ये बेनिफिट है, अगर आप ये पावर बटन को आपको 5 बार क्लिक करना है, और जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो पुलिस का नंबर होगा या डॉक्टर का नंबर होगा या आपके फ्रेंड्स का नंबर होगा, आपके फैमिली का नंबर होगा, उनके पास आपकी लोकेशन पहुंच जाएंगी। आप देख सकते हो कितना काम का फीचर है। तो इसे आपको ज़रूर अपने जो मोबाइल में है उसे अनेबल करके रखना है, इसको यहाँ पे अनेबल करना है, एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन वर्क टू वर्क नॉर्मली, तो एक आंधी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको रखना पड़ेगा तभी ये ओपन हो सकता है। तो मैंने अभी कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखा नहीं है मेरे इसमें, तो आप इसे ज़रूर इसे अनेबल कर दीजिए। कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके इमरजेंसी का ऑप्शन आता है, वहाँ पे कोई भी अपने पुलिस के, डॉक्टर के या फैमिली फ्रेंड्स के नंबर डाल दीजिए और इसे अनेबल कर लीजिए, क्योंकि ये फीचर मस्ट है आपका, आपके साथ अगर कुछ भी ना भगवान ना करे हुआ तो। इसके लिए बेस्ट फीचर दिया है अपने जो रेडमी ने, तो इसे इस्तेमाल करने की
ज़रूरत बनती है अपने को। और भी कुछ फीचर्स आते हैं यहाँ पे, जैसे है लोकेशन। लोकेशन जो है, ये जो लोकेशन है इसको आपको अनेबल करके रखना है, क्योंकि ये जो लोकेशन आपकी अनेबल दिख रही है, ये ऊपर जो आती है वो लोकेशन नहीं है। हाँ देखो, जीपीएस एंड लोकेशन नियंत्रण, वो ऊपर का आइकॉन नहीं है, ये जो लोकेशन है वो ऐप्स जो है वो अपनी लोकेशन रख रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई घूम गए हो और आपने किसी ने आपको सर्च किया, तो ये जो गूगल ही आपको खुद बता देगा कि आप कहाँ पे हो। आपके फैमिलीज़ को, अगर आपने फैमिलीज़ ने आपको सर्च किया आप कहाँ पे हो, तो वो ऐप ही आपको ढूंढ के बताता है कि वो कहाँ पे है। तो इस ऑप्शन को अनेबल रखना ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन भी घूम गया कहीं पे और आपको पता करना है वो कहाँ पे है, तो इस ऑप्शन को अगर आप अनेबल रखोगे तो आपका फ़ोन मिलना गारंटीड है, नहीं तो वरना गया आपके पूरे पैसे बर्बाद, आपका पूरा जितने का भी फ़ोन हो, आईफोन हो, कुछ भी हो, बर्बाद, पूरा बर्बाद पैसा। तो ज़रूर रखिए, और इसे हमेशा बैटरी सेवर मोड पे ही रखिए, क्योंकि ये बैटरी सेव करता है। अगर आप हाई एक्यूरेसी पे रखोगे तो ये पूरा ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी खाएगा आपके इसमें से, तो आप इसे बैटरी सेविंग मोड पे रखो। की तरफ अभी हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो है लॉक स्क्रीन का फीचर। लॉक स्क्रीन का फीचर है, उसके लिए आपको फिर से एक बार सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आप यहाँ पे आओगे लॉक स्क्रीन में। तो लॉक स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो। तो ये जो है वो बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या है। आप अपने लॉक के फॉर्मेट को सेट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, ये जो मेरे यहाँ पे जो नाम दिख रहा है अमोक करके, तो ये मेरा नाम है। तो यहाँ पे आप इसे लगा सकते हो, मतलब उस नाम को जो पहले बताया था मैंने ओनर इन्फो, तो वो वहाँ पे रख सकते हो आप। और यहाँ पे मी ग्लैंस है, मी ग्लैंस यानी जो होता है वो होता है जो आपके इनबिल्ट जो इंटरनेट से आपके इमेजेस आती है लॉक स्क्रीन पे। हर बार आप जब अपना मोबाइल ऑन करते हो पावर बटन से, तब वो इमेज चेंज होती है। ये मी ग्लैंस आप अनेबल करोगे तो आपका नेट भी ज़्यादा खाएगा और बैटरी भी ज़्यादा खाता है ये, तो इसको हमेशा ऑफ ही रखिए। ज़्यादा कुछ अगर आपको पसंद है तो इसे अनेबल कर सकते हो। एक गेम टर्बो का है, अगर आप पबजी के प्लेयर हो तो उसके लिए, और कौन से भी गेम का प्लेयर हो तभी भी चल जाएगा वो। उसके लिए आपको स्पेशल फीचर में आना है। स्पेशल फीचर में आने के बाद यहाँ पे गेम टर्बो के क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन जाएगा। यहाँ पे जितने भी गेम हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। बस आपको यहाँ पे सेटिंग, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है। और यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर मिल जाते हैं जिससे आप अपने गेम्स को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो। यहाँ अगर आप यहाँ पे अनेबल गूगल गेम टर्बो को हमेशा वो अनेबल रखना है, क्योंकि वो बूस्ट कर देता है थोड़ा सा गेम को। परफॉर्मेंस मोड स्टार्ट पे रखिए हमेशा। और आंसर फ्री हैंड, आंसर कॉल हैंड फ्री, मतलब अगर आपके गेम खेलते हो कोई फ़ोन आया तो डायरेक्ट आप वहाँ पे रिप्लाई दे सकते हो। उसका जो फ़ोन होगा वो साइड में वहाँ पे बैक स्क्रीन में शुरू रहेगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, गेम के बीच में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे एडिशनल फीचर में जाओगे तो यहाँ पे आप अपना कोई भी जो है पबजी यहाँ पे डाल सकते हो। और टच रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंसिटिव कितनी चाहिए पबजी पे, यहाँ पे आप बिल्कुल सेट कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और सेंसिटिविटी रिपीटेड टैप्स, मतलब आपको क्लिक के बार क्लिक करने पर वो सेंसिटिविटी है उसका जो ये है रिस्पॉन्स टाइम, वो बढ़ाना है आपको तो इससे आप कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना सकते हो जहाँ पे आपको टच बिल्कुल ही नहीं करना पबजी खेलते समय, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी बना सकते हो यहाँ से नीचे की तरफ।